नमस्ते, आज हम पेरिस्कोप नामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे और एक पेरिस्कोप का निर्माण भी करेंगे। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम वह देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। यह रोशनी की रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। सबसे सरल रूप में पेरिस्कोप दो उद्घाटन वाली एक ट्यूब है, एक से रोशनी आएगी और दूसरे से हम देखेंगे। ट्यूब के अंदर दो आईने रोशनी को आंखों तक पहुंचाएंगे। अधिक जटिल पेरिस्कोप स्थायी होने के लिए आईनों के स्थान पर प्रिज्म अथवा छवि को बढ़ाने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं। इससे आप बिना अपने आप को दिखाए किसी बाधा के पार देख सकते हैं, जैसे कोई दीवार के ऊपर से। इस चित्र में आप देख सकते हैं इंसान पेरिस्कोप की मदद से दीवार के ऊपर से देख पा रहा है। पेरिस्कोप के मुख्य उपयोग सैन्य कार्यों में है। पुरानी सबमरीन इनसे पानी के ऊपर देखती थी और पुराने टैंक भी इसका इस्तेमाल करते थे। खाई में रहकर लड़ने वाले सिपाही पेरिस्कोप वाली बंदूक का प्रयोग करते थे, जिससे वह छुपे रहकर हमला कर सकते थे। यहाँ एक पेरिस्कोप राइफल का चित्र है। यहाँ से रोशनी अंदर आती है पेरिस्कोप में और यहाँ से सिपाही देखता है। और यहाँ ऊपर एक तस्वीर है जो सबमरीन के पेरिस्कोप ली गई है। आपको एक समुद्री जहाज और समुद्र दिखाई दे रहा होगा। अब हम एक पेरिस्कोप का निर्माण करेंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री है गत्ता, दो आईने, गूंद, हमने फेविक्विक का इस्तेमाल किया है, और कैंची। गत्ते से चार सामान्य रेक्टेंगल यानी आयत काटें। उनकी लंबाई पेरिस्कोप की ऊंचाई होगी। दो गत्ते के टुकड़ों में छेद करें। एक से रोशनी अंदर आएगी और दूसरे से हम देखेंगे। बचे टुकड़ों में से एक पर दोनों आइनों को गूंज की सहायता से वीडियो के अनुसार चिपकाएं। इस कार्य के बारे में अगली स्लाइड पर जरूरी जानकारी है। आईने गत्ते से 45 डिग्री पर होने चाहिए। उनके रिफ्लेक्टिव पक्ष एक दूसरे की ओर होने चाहिए ताकि एक आईने से रिफ्लेक्ट हुई रोशनी दूसरे आईने पर पड़े। आईनों को ऐसे चिपकाएं ताकि बाद में गत्ते के टुकड़ों के छेद उनके सामने आए, ताकि छेद में से अंदर आती रोशनी आईने पर पड़े। डायग्राम यानी आरेख के अनुसार बनाएं। गत्ते के टुकड़ों को किनारों से वीडियो के अनुसार गूंद की सहायता से जोड़ें। ध्यान रखें कि छेद आइनों के रिफ्लेक्टिव पक्षों के सामने आए। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, एक छेद के सामने पड़ी वस्तु दूसरे छेद से दिखाई देती है। अब चलिए पेरिस्कोप के पीछे एक सिद्धांत समझते हैं। जो रोशनी पहले छेद से अंदर आती है उसकी दिशा पेरिस्कोप के परपेंडिकुलर यानी अधोलंब होती है।
पहला आईना पेरिस्कोप से 45 डिग्री पर है, इसलिए रोशनी से 45 डिग्री पर है। रिफ्लेक्शन के नियमों के अनुसार रिफ्लेक्ट हुई रोशनी पेरिस्कोप की लंबाई की दिशा में चलेगी। दूसरा आईना उलट असर करेगा और रोशनी को छेद के बाहर भेजेगा। इस तरह पेरिस्कोप में रोशनी एक छेद से अंदर आकर दूसरे छेद से निकलती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले रोशनी पेरिस्कोप के परपेंडिकुलर आती है, रिफ्लेक्ट होके वो पेरिस्कोप की लंबाई की दिशा में जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होके वो दूसरे छेद में से निकलती है और हमारी आंखों में आती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।